फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल, इसमें कैसे फैक्टराइज करेंगे ये हम सीखेंगे। तो जो यहाँ पे पॉलीनोमियल है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, जिसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो हमारा 2 है। तो ऐसे टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे फैक्टर करेंगे ये देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2m² प्लस 5m-3। अब इसे हमें फैक्टर करना है, तो हम फैक्टर कैसे करेंगे। यहाँ पे जो इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो हम देखेंगे a जो यहाँ पे है वो 2 है, b क्या है 5 है, c क्या है 3 है, -3। तो हमको फैक्टर करने के लिए a को बी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 3 6 -6 आएगा, और यहाँ पे बीच में क्या है b, तो हमें 6 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, जिससे हमें प्लस माइनस करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो हम अगर 6 1 6 करें तो हमें 6 मिल जाएगा, पर माइनस नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 1 6 और माइनस है तो -6 आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा, तो 2m² प्लस 6m लिखना है इसके साथ, माइनस m लिखना है, 1 उसी में इंक्लूड हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो हमारे पास कॉमन कैसे लेने हैं, या जो दोनों में आए, तो यहाँ पे m कॉमन आएगा प्लस 2 भी आएगा कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो इसे करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 2m² अपॉन 2m से हम डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कैंसिल, m स्क्वायर में से 1m कैंसिल, 1m बच जाएगा, तो यहाँ पे m बचेगा। ऐसे सेम एज इट इज इसमें भी करेंगे तो हमारा 2 3 6 होता है, 3 बचेगा और m हम निकाल देंगे। इस जो यहाँ पे आया सेम एज इट इज यहाँ पे भी आना चाहिए, तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे जिससे m प्लस 3 आ जाएगा, m प्लस 3 2m-1, ये हमारा हो गया फैक्टर। सेकेंड एग्जांपल की बात करें 2x² प्लस x-1, अब इसे हमें फैक्टर करना है, तो यहाँ पे हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 × -1 = -2, हमें मल्टीप्लाई करके -2 लाना है और प्लस माइनस करके 1 लाना है, तो सिंपल है 2 1 2, 2 को हम लोग मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 2 आ जाएगा, पर माइनस नहीं आएगा, तो माइनस हमें कैसे लाना है, 2 को अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारा 1 भी आ जाएगा और -2 भी आ जाएगा। तो अब लिख देते हैं इसे 2x² प्लस 2x-x-1, इसकी जगह हम लोगों ने ये लिखा है और बाकी सब ये सेम है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, 2 और x कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 2x पूरा कॉमन हो जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आना चाहिए, तो इसलिए -1 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये जो डबल बार है उसको सिंगल बार लिख देना है, x प्लस 1 2x-1, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं ये क्वेश्चन, 3y² - 2y-1, इसे सॉल्व करके आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं।